Good morning, students. I Sharma. I welcome you all in my YouTube channel, Sharma Study House. Today we are going to learn about article. As we know all, there are only three articles in English grammar. Today we will learn how to use article in English grammar. So, students, there are there are only three articles: an, and the. देर आर थ्री आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड दी नो ऑल वी पुट दैम इन टू कैटेगरीज बच्चों तीन आर्टिकल होते हैं इंग्लिश ग्रामर में इन्हें हम तीन कैटेगरीज में रखेंगे नंबर वन डेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल में क्या है डेफिनेट आर्टिकल में आता है दिन इनडेफिनेट आर्टिकल एंड एन सो तो डेफिनेट आर्टिकल में द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन को रखते हैं इनकी हम दो कैटेगरी में रखते हैं आर्टिकल्स को देर आर सम रूल्स टू यूज़ दैम अब हम कुछ रूल का रूल के बारे में पढ़ेंगे जो इनको यूज़ करते हुए हमें याद रखने कि हमें ए कहाँ लगाना है एन कहाँ लगाना है और दा कहाँ लगाना है रूल वन आई यूज बिफोर सिंगलर नाउन वेन यू स्टार्ट विद एनी कॉन्सोनेट एग्जाम्पल आ कैट देखिए आ हम कब यूज़ करते हैं आ का यूज़ हम करते हैं हम सिंगलर नाइन नाउन से पहले इसका यूज़ करते हैं जब वो सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेट से शुरू हो शुरू हो रही हो जैसे एग्जाम्पल में कैट कैट सी से कैट है तो सी से शुरू हो रही है सी इज कॉन्सोनेंट एंड एज यू ऑल नो देर आर फाइव ओवल्स ए आई ओ यू सो सी इज अ कॉन्सोनेंट तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अ कैट अ हाउस अ स्कूल नाउ वी विल लर्न अबाउट एन एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन वैन इट इज स्टार्ट विद अ अब हम एन का पढ़ते हैं कि एन कहाँ यूज़ होता है एन होती है एक ऐसी सिंगुलर नाउन से पहले जो वोवल से स्टार्ट हो जैसे एग्जाम्पल में एन अमरेला एन ऑस्ट्रिच एन ऑरेंज आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये यू और ओ हमारे वोवल हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट रूल नंबर सेकेंड आ एंड एन यूज ओनली बिफोर काउंटेबल नाउन आ एंड यू एन है जो यूज होते हैं काउंटेबल लाउन हमेशा ये काउंटेबल लाउन से पहले यूज होते हैं जैसे काउंटेबल लाउन में देखेंगे कार कार को गिना जा सकता है काउंटेबल लाउन आप समझते ही हैं जो गिनी जा सके और अनकाउंटेबल जो गिनी ना जा, जा सके तो अ कार अ बैग एन ऑरेंज एन आइसक्रीम अनकाउंटेबल में देखेंगे वाटर इसके आगे हम नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल अब मिल्क नहीं लग सकता द मिल्क और अ गोल्ड नहीं लग सकता तो आ और एन हम काउंटेबल नाउन के आगे ही लगाते हैं रूल नंबर थर्ड यूज़ ऑफ़ ए आ एंड एन बिफोर अन नोन पर्सन और थिन देखिए हम हमेशा आ और एन का यूज़ हम किसी अननोन पर्सन के लिए लगाते हैं जिसको हम जानते ना हो जो लिस्नर के द्वारा जाना जाता हो एंड वाइल इसके अलावा द इज़ यूज टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग नोन टू लिस्नर और द हम उस नाउन के आगे लगाते हैं या पर्सन के आगे चीज के आगे लगाते हैं जो लिस्नर द्वारा जाना जाता है या लिस्नर लिस्नर का बोलने वाले को या सुनने वाले को जिसका पता हो एग्जाम्पल में देखेंगे माई माई ब्रदर हैव टू फोन मेरे भाई के पास दो फैन हैं आई स्मार्टफोन एंड आ की पैड फोन एक स्मार्टफोन है और एक की पैड वाला फ़ोन है अब देखिए हमने इसमें यहाँ पर अभी हम फोन की बात करें लेकिन हम पता नहीं कि कौन से फ़ोन की तो आ स्मार्टफोन एंड आ की पैड फ़ोन अब नेक्स्ट लाइन में देखिए आई लाइक द स्मार्ट फोन, फोन. Like तो ये जो स्मार्टफोन है जो अन नोन था अभी तो इसको मैं पसंद करती हूँ इसको द स्मार्टफ़ोन तो हमें हम इस स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो हमने इसके लिए यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया ये तो हमने यहाँ पर द का यूज़ किया रूल नंबर फोर पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ ए एंड एन विद नॉन स्पेसिफिक थिंग और पर्सन जो हम आ और एन का यूज़ करते हैं वो नॉन स्पेसिफिक थिंग के लिए करते हैं वाइल द इज़ यूज विद स्पेसिफिक थिंग और पर्सन हम हमेशा आ और एन का यूज़ हमेशा नॉन स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक ना हो उन चीज़ों के लिए और दा का यूज जो स्पेसिफिक हो उनके लिए जैसे डू यू हैव अ ड्रेस क्या तुम्हारे पास एक ड्रेस है तो हमने इस ड्रेस के यहाँ पर इस ड्रेस को कौन सी ड्रेस है कैसी ड्रेस हम इसे नहीं जानते अन नोन है अनस्पेसिफिक है नॉन स्पेसिफिक है तो हमने इसको यहाँ पर आ लगाया आगे डू यू हैव द ड्रेस देखिए यहाँ पर हमने दा का यूज़ किया डू हैव द ड्रेस दैट मदर गेव यू ऑन योर बर्थडे क्या तुम्हारे पास वो ड्रेस है अब हम इस किसी ड्रेस की बात कर रहे हैं जो मम्मी ने तुम्हारे जन्मदिन पे दी थी हम उस स्पेसिफिक ड्रेस की बात कर रहे हैं जो मम्मी ने दी थी तो इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज़ किया आगे रूल रूल नंबर फाइव है एन इज़ यूज वैन अ नाउन स्टार्ट विथ कंस बट इज साउंड अवल एन हम तब यूज़ करते हैं जब एक नाउन स्टार्ट तो कौनसनेंट से होती है लेकिन जो इसकी साउंड होती है वो एक वॉवल के जैसी होती है एग्जाम्पल पे एन एम एल ए देखिए हिंदी में लिख के देखेंगे देखे, हम इसे एम एल ए देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये यह हमारे ए आई ओ यू जो हैं तो ये हमारा वॉवल का साउंड कर रहा है तो हमने इसके आगे एन लगाया ओनर ओनर लिखेंगे हम ओनर ऑनर तो आ जो है हमारा वॉवल है तो हमने यहाँ पर इसे एन लगाया जबकि ये एच से शुरू हो रहा है और ये एम से शुरू हो रहा है तो जो वर्ड्स कॉन्सोनेट से शुरू होते हैं लेकिन साउंड उनमें वावल की आती है तो हम तब एन का यूज करते हैं ऐसे ही एंड आई इज़ यूज वैन अ नाउन स्टार्ट विथ वॉवल बट इज साउंड कॉन्सोनेंट देखिए जब कोई नाउन स्टार्ट तो होती है वॉवल से लेकिन वो साउंड करती है कॉन्सोनेट का तब हम क्या लगाते हैं आ यूज़ करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे जो ये नाउन है जो ये हो रही है ई से शुरू ई हमारा हमें पता है ये हमारा गोवल है तो लेकिन इसे लिख के देखेंगे यूरोपियन देखिए ये क्या है यह हमारे हिंदी वर्णमाला में भी गोवल क्यूज उसमें उस नहीं आता है तो ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट तो इसलिए हमने इस इसके आगे आ लगाया नेक्स्ट देखेंगे हम यूनिवर्सिटी जैसे हम जानते हैं हमारा ए ई आई ओ और यू ये वोवल है तो वोवल शुरू हो रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी को लिखोगे आप तो यूनी ऐसे लिखा जाएगा यूनी ये ऐसे शुरू होता है तो हमने इसके आगे इसलिए आ लगाया तो आई होप बच्चों आपको आर्टिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे तो बच्चों अगर आपको आर्टिकल समझ आ गए हों आपको अच्छे समझ आ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू